गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ए बिग राउंड ऑफ अप्लाज फॉर ध्रुव, फॉर अनुष्का, फॉर पूजा एंड फोर्थ वन वाज राम अवतार। अब आप पूछोगे राउंड ऑफ अप्लाज किस लिए? डियर स्टूडेंट्स, इसलिए कि कल अर्थ डे था और उस पे आप लोगों को हमने जैसे कहा था आपने बहुत अच्छी अच्छी सी एक्टिविटीज परफॉर्म की। अनुष्का, आपकी जो वीडियो थी उसको बहुत सारे अप्लाज मिले हैं, तो वेल डन बच्चों। और इसी तरह से अपनी होम असाइनमेंट्स की एक्टिविटीज परफॉर्म करते रहिए। गॉड ब्लेस यू। तो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। आज हम कंक्लूड करने जा रहे हैं, लास्ट टॉपिक है। जैसा कि आप सब जानते हो हम क्या पढ़ रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पे हमने कल खत्म किया था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 गांधी जी ने शुरू की थी। साल्ट मार्च जिसको कहते हैं, डांडी मार्च भी कहते हैं, आपको पता है। तो हमने क्या बताया था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी मान गए, तैयार हो गए। तो गांधी इरविन पैक्ट के तहत गांधी जी ने कहा कि मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लूंगा, उसकी जगह जितने भी पोलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो उसके साथ ही क्या हो गया, लेकिन जब उन्होंने ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की तो उसी समय में उनको उनकी बात नहीं मानी गई और उल्टा कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया। तो अब हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी, हिंदी में इसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो खैर आप अंग्रेजी में ही याद रखिए, वैसे ही पढ़ना है आपने। तो इसकी लिमिटेशंस मींस कि वो इतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई। गांधी जी ने वापस आकर 1932 में इसको दोबारा से लॉन्च करने का सोचा, बट वैसा रिस्पांस उनको नहीं मिला। उसकी वजह क्या थी? उसकी पहली वजह ये थी कि नॉट ऑल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। मतलब जितने भी ग्रुप्स थे जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन में पार्ट लिया था, वो सारे के सारे ग्रुप्स इससे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुए। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह क्या थी, कांग्रेस इग्नोर्ड दलित एंड डिप्रेस्ड क्लास। डिप्रेस्ड क्लास यानी कि जो नीची तबके के लोग थे, जो दलित जिनको कहा जाता था उस समय में, वो अपने आप को दलित कहते थे। कांग्रेस उनको फुली इग्नोर कर रही थी। आपको याद होगा पार्टिसिपेशंस में जैसे रिच पीजेंट्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट इसलिए किया था कि उनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थी। तो उस समय की बात है, आपको याद है जैसा दौर आजकल चल रहा है ना, जैसे अभी मतलब इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया है एकदम से, ये जो COVID-19 वायरस की वजह से पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व हुआ है, उस समय में इस ऐसे ही प्लेग हुआ था और महामारी इसको एपिडेमिक हो गया था, जिसकी वजह से इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। जैसे कि अभी आगे आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी भी धीरे धीरे ऐसे पूरे वर्ल्ड में उसका इफेक्ट होगा। तो वो इकॉनमी डाउन होने की वजह से इनकी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स थे, जो कमर्शियल क्रॉप्स जो बेच के कमाते थे, तो वो जो रेवेन्यू था वो नहीं भर सके, क्योंकि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की जो रेट्स थे वो एकदम से डाउन हो गए, एकदम से गिर गए। तो पीजेंट्स ये चाहते थे कि उसमें हमें, रिच पीजेंट्स चाहते थे कि हमें उसका फ़ायदा मिले, हमारा रेवेन्यू माफ हो। उल्टा जो पुअर पीजेंट्स थे वो उन्हीं की ज़मीनों पर काम करते थे, रेंट पे काम करते थे, तो रेंट भरना उनके लिए मुश्किल था। तो अगर तो कांग्रेस रिच पुअर पीजेंट्स की बात रखती है तो रिच पीजेंट्स नाराज़ हो जाएंगे, तो उनको वो नाराज़ नहीं करना चाहते थे। बिजनेस क्लास ज़्यादा देर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में इन्वॉल्व होके अपना नुकसान नहीं करना चाहती थी। सेम प्रॉब्लम वही इकोनॉमिक डिप्रेशन वाली। और जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी वो सेम वही क्लास थी, अगर वो बिजनेस या इंडस्ट्रियल जो मालिक है वो उनकी सपोर्ट ले रहे थे कांग्रेस वाले, तो इसलिए वो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास की सपोर्ट उन्होंने नहीं की, क्योंकि वो उनसे फाइनेंस सपोर्ट भी ले रहे थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, तो ये वजह थी जिसकी वजह से ये लोग निराश होकर धीरे धीरे अपने आप पीछे हो गए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से। तो एक कांग्रेस इग्नोर्ड दलित्स एंड डिप्रेस्ड क्लास। उसी समय में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें दलित्स की तरफ से B.R. अम्बेडकर जो हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ही इज़ ए रिनाउंड पर्सन, वेरी लर्न पर्सन। तो उन्होंने एक क्लास बनाई इन्हीं दलितों की, वो उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास बनाई 1930 में, एंड वो जो थे वो उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन तब तक कांग्रेस जो है इनको इग्नोर कर रही थी। मोर ओवर एक बात और हो गई थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, वो ये थी कि फ्रॉम मिड 1920 कांग्रेस वाज
मोस्ट विजिबल एज हिंदू डोमिनेटिंग पार्टी. अब कांग्रेस धीरे धीरे ना लेटर ईयर्स में, 20s के लेटर ईयर्स में एक हिंदू डोमिनेटिंग पार्टी बनती जा रही थी, बिकॉज दे ज्वाइंट हिंदू महासभा. उन्होंने हिंदू महासभा को ज्वाइन कर लिया एंड मुस्लिम्स स्टार्टेड कीपिंग अवे. और उसकी वजह से जो मुस्लिम्स थे वो अपने आप को उनसे दूर करने लगे. इन बिटवीन क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने अपनी एक अलग से मुस्लिम लीग भी बना ली 1920 में. याद रखना 1920 में मुस्लिम लीग बन गई. तो वो ऑटोमेटिकली उनको लग रहा था कि जो हिंदू पार्टी है वो अब थोड़ी सी रिलीजियस होती जा रही है. तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उस समय क्या किया, ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स एज ही फियर्ड लॉस ऑफ कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज. उनको लगा कि माइनॉरिटीज की जो कल्चर है, माइनॉरिटीज की जो आइडेंटिटी है वो खतरे में आ गई है, क्योंकि जो कांग्रेस है वो एक हिंदू पार्टी बनती जा रही है. तो उन्होंने कहा कि जब इलेक्शंस हों तो मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए. सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि जो मुस्लिम लोग हैं या माइनॉरिटी वाले लोग हैं उनके लिए वो लोग अपने ही नेता को चुनेंगे, अपना ही इलेक्शन से अपने नेताओं को उनका एक अलग सेपरेट ही इलेक्टोरेट बना दिया जाएगा. तो ये उनकी डिमांड थी. तो ये वाली डिमांड सुनकर गांधी जी, आपको पता है कि गांधी जी क्या चाहते थे, यूनिटी चाहते थे. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन का यही फर्क था कि नॉन कोऑपरेशन जो थी वो यूनाइटेड स्ट्रगल थी बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स की, तो वो इससे ज़्यादा सक्सेसफुल हुई. लेकिन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो इतनी सक्सेसफुल इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि उस समय में रिलीजियस डिफरेंसेस आ चुके थे. तो इसी बीच में एक पैक्ट हुआ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैक्ट. वो पैक्ट क्या था, पूना पैक्ट. उसको कहते हैं पूना पैक्ट. ये क्या पैक्ट था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज नॉमिनेटेड एज लीडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लास फॉर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से, और वहाँ पर जाके वो किसके साथ उनका क्लैश हो गया, गांधी जी के साथ, बिकॉज ही ऑल्सो डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स. देखो जो गांधी जी थे वो तो यूनाइट रहना चाहते थे. गांधी जी इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे थे कि अंग्रेज कौन से रूल अपना रहे हैं, फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल. वो क्या कर रहे थे, दोनों को, मुस्लिम्स और हिंदुओं को भी लड़ा रहे थे और ऊंची जाति और नीची जाति के नाम पर भी लोगों में डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे. गांधी जी इस बात को समझ रहे थे. जब इन्होंने, बी आर अम्बेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा तो गांधी जी इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए कि वो अनशन पर चले गए, फास्ट ऑन टू डेथ. मतलब कि वो बैठ गए किस पे, पूरी तरह से अनशन पे. और सबसे बड़ी बात ये कि ब्रिटिशर्स जो थे, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चल रहे थे ना, तो उन्होंने क्या किया, अंबेडकर की डिमांड को मान लिया. ब्रिटिश एक्सेप्टेड अंबेडकर्स डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. बट गांधी जी बिगेन फास्ट एंड टू डेथ. ही बिलीव्ड दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी. जैसे मैंने आपको कहा कि सोसाइटी को जोड़ने की जो प्रोसेस है, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट बन गया तो उसमें नुकसान हो जाएगा. गांधी जी ने अब तक उनको अंडरस्टैंड हो चुका था कि इस क्लास को उठाना बहुत जरूरी है, और उन्होंने इनको नाम दे दिया. कौन सी क्लास, जो डिप्रेस्ड क्लास थी ना, उसको, डिप्रेस्ड क्लास जो थी उसको उन्होंने नाम दिया हरिजन, मींस भगवान के जन, भगवान के लोग. और इस चीज को प्रूव करने के लिए इंडिया से अनटचेबल्स तब तक उनको कहा जाता था. हरिजन्स को तब तक क्या कहते थे, अनटचेबल्स. नीच जात वाले जो थे उनको अनटचेबल्स. तो गांधी जी ने प्रूव करने के लिए खुद लोगों के टॉयलेट्स साफ किए, स्वच्छता अभियान चलाया, जो आजकल आप चल रहे हो ना, ये गांधी जी द्वारा ही चलाया गया है, सबको बराबर करने के लिए. उनके लिए गांधी जी ने बहुत सारे अनटचेबल्स के लिए, हरिजन्स के लिए, फिर सेवा भावना लोगों में भी जागृत की. बातें हुई तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जब गांधी जी फास्ट ऑन टू डेथ पे गए तो उस समय फिर बी आर अम्बेडकर, चूंकि गांधी जी के साथ वो एक वो भी रखते थे, उनको मानते भी थे, एक अच्छा लीडर भी मानते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक पैक्ट कर लिया गांधी जी के साथ. वो पैक्ट जो था, एक समझौता किया, पैक्ट मीन्स समझौता किया गांधी जी के साथ बी आर अम्बेडकर ने. उस समझौते को कहते हैं पूना पैक्ट. पूना में हुआ पूना पैक्ट. इट वॉज साइंड इन सेप्टेम्बर 1932. पूना पैक्ट कब साइन हुआ, सेप्टेम्बर 1932 में. तो इसमें हुआ क्या, इट गेव रिजर्व्ड सीट्स टू डिप्रेस्ड क्लास इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल
लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो भी मतलब इलेक्शंस होनी थी ना, चाहे वो प्रोविंस की इलेक्शन थी चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की इलेक्शन थी, उसमें दलितों को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, लेकिन पूरी जनरल जो है उसमें कोई भी उनको वोट कर सकता है। ये नहीं था कि उनका पूरा इलेक्टोरेट ही सेपरेट कर दिया, ऐसा नहीं किया, बल्कि जनरल इलेक्टोरेट में से ही वोट देकर वो चुने जाएंगे, उनकी सीटें रिजर्व कर दी, रिजर्व जिस जो अब आजकल जिसको हम शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्वेशन कहते हैं, तो उनकी सीटों को रिजर्व कर, उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी। तो ये था पूना पैक्ट एंड लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन, वुमेन का भी एक रोल होता है ना, लेकिन वुमेन का जो रोल था वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, वुमेन को ऐसे फ्रंट लाइनर नहीं रखा कभी भी, वो पार्टिसिपेट करते थे हर एक्टिविटी में, लेकिन उनको ऐसे फ्रंट लाइटर, उसकी वजह ये भी थी कि गांधी जी भी इतने सपोर्टर शुरू में वुमेन के इतने सपोर्टर पॉलिटिक्स में नहीं थे। गांधी जी भी चाहते थे कि वुमेन जो है वह घर का काम काज, अपना घर संभालें, अपने हस्बैंड को संभालें और साथ साथ में अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दें। लेकिन फिर भी इसके बीच में भी जब दांडी मार्च हुआ तब वुमेन पार्टिसिपेटेड अलॉट। गांधी ड्यूरिंग दांडी मार्च थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट फ्रॉम देयर होम्स टू लिसन गांधी जी। जहाँ जहाँ हर हर दिन 24 दिन की उनका सफर था, हर दिन गांधी जी जहाँ पर रुकते थे रात को, वहाँ ढेरों औरतें आ जाती थी उनके उनसे उनके भाषण सुनने के लिए। तो इतनी ज़्यादा वो इम्प्रेस होती थी। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्च एंड मैनुफैक्चर्ड साल्ट। वुमेन ने उनके साथ चलकर प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लिया और साल्ट मैनुफैक्चर भी किया। मैनी वेंट टू जेल, और जब जेल गए ना 1,00,000 लोग, तब भी औरतें जो हैं वो भी जेलों में गई, बंद हुई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर सरोजनी नायडू भी उस समय जेल में गई थी। और फिर मूव्ड बाय गांधी जी काल दे बिगेन टू सी सर्विस टू नेशन एज सेक्रेट ड्यूटी ऑफ नेशन। उनको लगता था कि नेशन की सर्विस करना, अपने देश की सर्विस करना एक हमारी सबसे पवित्र जो है वो ड्यूटी है। ठीक है, तो ये था कुल मिलाकर लिमिटेशंस, पूना पैक्ट एंड रोल ऑफ वुमेन। लास्ट बात आती है वो ये है कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। हम सब जो हैं एक ऐसे क्यों हमें फील हो कि हम सब जुड़े हुए हैं। कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या है, हम सब जुड़े हुए हैं। वो ऐसे कि पहला पॉइंट, हम सब किसके अंडर थे, ब्रिटिशर्स के अंडर थे। सबसे पहला पॉइंट ये कि हम यूनाइटेड स्ट्रगल, सबके सब कॉलोनी कॉलोनियल रूल के अंडर थे, तो हम यूनाइटेड स्ट्रगल कर रहे थे। दूसरा क्या था, हमारी कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे आई, कल्चरल प्रोसेस लाइक हिस्ट्री, बिकॉज जो हिस्ट्री हमारी थी वही हमारी, वो जो हिस्ट्री हम झेल रहे थे ना, हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे जो पापा हमारे दादा लोग जो थे, वो भी वही वाली हिस्ट्री जो है उनकी भी वही हिस्ट्री थी, वो भी ब्रिटिशर्स के गुलाम थे और हम भी थे। फिक्शन कहानियों के जरिए, फोक लोअर के जरिए हम सब की सांझी थी। अच्छा, फिर पेट्रियोटिक सॉन्ग्स बने बहुत सारे। अच्छा, एलिगरीज बनाई गई, भारत माता जैसी एलिगरीज बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये नाम याद रखना आपने, बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं। इन्होंने भारत माता को रूप दिया इंडिया नेशनल का, मतलब इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए हमें एक एलिगरी, जैसे हमने पिछले लेसन में जर्मनिया और मेरियन के बारे में पढ़ा था ना, तो यहाँ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता को हमारी इंडिया की एलिगरी बनाया। और उन्होंने हमारा जो अभी नेशनल सॉन्ग है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसी समय में लिखा था, जो हमें बिलोंगिंग करता था हमारी किसके साथ, नेशन के साथ। तो ये जो भारत माता का जो पेंटिंग थी, अभिन्द्रनाथ टैगोर ने उसके बाद उन्होंने भी बनाई। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी पोइम्स और बहुत सारे गीतों के जरिए लोगों को देश के साथ जोड़ा। और इसके साथ साथ हमने क्या किया, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, जो हमारी हिस्ट्री थी उसको दोबारा से री इंटरप्रेट किया। लोगों को यहाँ तक ये बात पहुँची कि इतना बड़ा मतलब पूरा वर्ल्ड जो है उसको जीरो इंडिया ने दिया है, इतनी सारी महान उपलब्धियाँ हैं इंडिया की, इंडिया सोने की चिड़िया था, तो ब्रिटिश कैसे उनको इतना नालायक समझते हैं। तो ये चीज़ें जब लोगों की समझ में आई तो उनमें कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आई। तो इस तरह से नेशनलिज्म की भावना जो है पूरे इंडियंस में हुई। तो नेशनलिज्म इन इंडिया का जो मेन टारगेट था वो अचीव हुआ। और अल्टीमेटली जाकर जो आज हम सांस ले रहे हैं, 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया। हमारा जो सिलेबस है वो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस तक ही है, इससे आगे नहीं है जो हमारे लेसन में है। तो अब हमारा एक लास्ट
एक दो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अभी होमवर्क में दे दूंगी, और उसके साथ एक पूरी टाइमलाइन शुरू से लेकर एंड तक वो मैं अभी आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, जिसको आपने अच्छे से लर्न करना है। और जो हमारा टेस्ट है फ्राइडे टेस्ट, वो उसी टाइमलाइन पे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे होगा। एंड विद दिस हैव ए नाइस डे बच्चों।